हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फर्स्ट ईयर मैथ्स एंड स्टैट्स के लिए वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, जो इस लॉकडाउन में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आने वाले एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैथ में आपके लिए लगभग 3 सेक्शन के आसपास आते हैं, जिसमें से हर का सेक्शन में दो दो क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से डिफरेंशिएशन के अंदर से एक क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का पक्का आता ही आता है, जिसके लिए हमें इस बेसिक टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जिसके लिए अब हमें ये एक छोटा सा काम करना है। और इस काम के अंदर क्या है कि ये अब तक जितने बच्चों ने, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कॉमर्स में हमारे पास जिन्होंने सिर्फ 10th तक ही मैथ पढ़ी है और 10th के बाद उन बच्चों ने मैथ नहीं पढ़ी, और ये टॉपिक उनके लिए बिल्कुल ही एक नया टॉपिक है, क्योंकि 10th तक में ऐसा कोई भी टॉपिक आपके सामने नहीं आया था। तो इसलिए हम सभी को मिलकर अब ये काम करना है, डिफरेंशिएशन सीखना है, और पूरी ईमानदारी के साथ जो यहाँ पे कराया जाए उसका होमवर्क आपको मुझे मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। तो ध्यान रखिए, होमवर्क करना सबसे पहली बात क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया कि हमारे पास कई ऐसे बच्चे होते हैं जो 10th तक ही मैथ पढ़े, उसके बाद उन्होंने मैथ नहीं पढ़ा, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, बहुत ही इजी है, आपको बड़े आराम से समझ में भी आ जाएगा और आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को टैकल करके सीख भी, इस सारे क्वेश्चन को टैकल भी कर लेंगे और बड़े आराम से नंबर भी गेट कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। तो प्यारे बच्चों, आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि होमवर्क करते रहना साथ ही साथ, क्यों, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन कराया जाए उनकी लगातार प्रैक्टिस होती रहे और आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे। और अगर डाउट आता है तो आप मुझे इसी नंबर पे उस डाउट को सेंड कर दीजिए, उस डाउट के लिए मैं वीडियो बना के आपको फिर से प्रोवाइड करा दूंगा, या आप गूगल हैंगआउट पे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए और वो डायरेक्ट आप मुझसे एवरी संडे कनेक्ट होकर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं, ये छोटा सा टॉपिक है जिसके लिए मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, और सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्यारा टॉपिक है। ठीक, तो अब इस चीज के लिए आप एक 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 करके सारे क्वेश्चनों पे हम बात करते हैं। अच्छा, मैं आपको इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा कि ये क्या है, क्यों यूज़ हो रहा है, कैसे है, क्यों है। ठीक है, हमें उसके लिए करना चाहिए, अच्छी बात है कि अगर हम ये सब चीज़ें सीखें, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है, कब एग्ज़ाम की डेट आ जाए कुछ नहीं पता, तो इसलिए हमें फटाफट टॉपिक्स के ऊपर किस तरीके से इनको सीखा जाता है, कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, हम सीधा इस पॉइंट पर आएंगे। जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर आपका जो सबसे बेसिक रूल है, ठीक है, वो 3 रूल में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, पहला चेन रूल, दूसरा प्रोडक्ट रूल, तीसरा क्वेश्चन रूल। इन 3 रूल के बलबूते ही हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, और यही बेसिक रूल्स हमारे एक एक करके शुरू लगना शुरू हो जाएंगे। जैसे आज मैं आपको सबसे पहले एक चेन रूल के बारे में, थोड़ी सी जानकारी देता हूं। बच्चों, चेन रूल के बारे में आपको जो काम बताया जाएगा वो क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ये एक्स आ गया। अब ये एक्स क्या है बच्चों, ध्यान रखना, हमें दो बातें ध्यान रखनी है, बिल्कुल दो क्या, 3 बातें बताता हूं मैं आपको। पॉइंट नंबर एक, वेरिएबल। ठीक है, ठीक। पॉइंट नंबर दो, कोफिशियंट। ठीक है, और पॉइंट नंबर 3, कांस्टेंट। ये 3 बातें ध्यान रखिए कि जब भी डिफरेंशिएशन किया जाता है, डेरिवेटिव किया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, वेरिएबल देख लेना है आपको कि किस वेरिएबल के लिए किया जा रहा है। समझ में आ रही है बात? कोफिशियंट क्या रोल अपना निभाता है और कांस्टेंट क्या रोल अपना निभाता है। अभी मैं एक एक करके तीनों पॉइंट्स को कवर करूंगा, वेरिएबल कौन है, कोफिशिएंट कौन है, कांस्टेंट कौन है। अच्छा, कुछ बच्चों को एक और एक प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने 10th तक मैथ हिंदी में पढ़ी होती है, तो उनके लिए भी बता दूं, यहां पे ये कौन है, ये कौन है,
और ये कौन है, ठीक है जी, ये कौन है, चर पद, ठीक है, ठीक, ये कौन है, ये है आपका गुणांक, ठीक है, और ये कौन है, सॉरी ये अचर पद है आपका, अचर पद, ये कौन है, गुणांक, और ये कौन है भाई, ये है आपका स्थिरांक, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स मैंने हिंदी में लिख दिए हैं, ठीक। तो अचर आपको पता ही है, जिसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आती है, गुणांक जो वेरिएबल के साथ में होता है, स्थिरांक जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल चेन रूल का बेसिक रूल क्या है बच्चों, ये कौन है, एक्स, एक्स की हमें कोई वैल्यू नहीं पता, इसलिए कौन है ये, वेरिएबल है, कौन है ये, वेरिएबल। अच्छा, इसके ऊपर कोई ना कोई पावर होती है बच्चों, कोई ना कोई क्या होती है, पावर होती है। अब उस पावर को मैंने मान लिया एन, उस पावर को मैंने क्या मान लिया, एन, और बच्चों एन कौन है, एन यहां पे कोई भी नेचुरल नंबर है, एन यहां पे कोई भी क्या है, नेचुरल नंबर है, या कोई सा भी नंबर आप कह सकते हो। वैसे मैं ये कहूंगा नहीं कभी भी कि हाँ जी ये नेचुरल नंबर है, मैं कभी नहीं कहूंगा, मैं इसे कहूंगा कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर मतलब क्या, 1, 2 भी हो सकता है, -1, -2 भी हो सकता है, अंडर रूट में भी आ सकता है, बहुत सारी चीजें, तो यानी ये रियल नंबर है, हम ये कह के चलेंगे, ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि इसको डेरिवेटिव कैसे किया जाए। देखिए, डी अपॉन में डीएक्स लिखा जाता है, डी अपॉन में क्या लिखा जाता है, डीएक्स, जिसमें इस वाले डी का मतलब होता है डेरिवेटिव, क्या होता है, डेरिवेटिव, और जबकि इस नीचे वाले dx का मतलब क्या होता है, इस नीचे वाले dx का मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये क्या चीज है भाई, भाई d का मतलब ये हो गया कि हम, या हमारे पास ये कंटेंट जो है, हम इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, डेरिवेटिव। और नीचे वाले dx का मतलब ये है कि जिन जिन के पास x होगा, जहां जहां पर x होगा, हम उसी का डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन जिन के साथ x होगा या जहां जहां पर x होगा, उन्हीं का डेरिवेटिव करना है, बाकियों का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में हम काम करते हैं उसी के लिए हम वर्क करते हैं, बाकी उसको छोड़ के जितनी भी चीजें होंगी वो सब जीरो होंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये डेरिवेटिव होके बनता कैसे है, हम डेरिवेटिव बच्चों कर किसका रहे हैं, एक्स की पावर एन का। तो डेरिवेटिव के दौरान आपको मैं बता दूं होता क्या है, डेरिवेटिव के दौरान बच्चों होता है जो भी ऊपर पावर है उसे आगे लिख दो, और एक्स की जो भी पावर थी उसमें से वन लेस कर दो, यानी एक कम कर दो। ध्यान से देखना, जैसे एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूं मैं आपको, मान लीजिए एक्स की पावर 5 है, आपको इसका डेरिवेटिव करना है, कीजिए कैसे डेरिवेटिव करेंगे भाई, पावर आगे यानी 5 आगे, और जो भी इस 5 में से है वो क्या कर देना, 1 लेस, तो क्या बन गया, 5x की पावर 5 में से बन गया कितना, बन गया 4, 5 में से बन गया कितना, बन गया 4। यानी सीधे सिंपल सी एक बात, इतने झंझटों को लेके कंक्लूजन ये निकलता है क्या, डेरिवेटिव करते समय आपको क्या करना है, पावर आगे एक कम, फिर से ध्यान देंगे, पावर आगे एक कम, यानी जो भी आपके पास वेरिएबल है उसकी पावर को उठा के उसके आगे, और जो उसकी पावर थी उसमें से वन लेस, यानी पावर आगे एक कम, पावर आगे एक कम, बस ये आपको इस बात को ध्यान रख लेना। जैसे एक और देखिए, एक्स की पावर अगर मैं 7 ले लूं, बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं, हां जी, तो क्या बन जाएगा, ये पावर आगे एक कम। एक क्वेश्चन और, x की पावर 6, तो क्या बन जाएगा, पावर आगे एक कम। यहां तक सभी बच्चों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा अब थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, क्या चेंज करने जा रहा हूं मैं, हां जी, 5x की पावर 4 का डेरिवेटिव, ये। अच्छा अब क्या है भाई, कहो सर अभी तो आपने ये करा, ये अचानक से 5 क्या आ गया, तो भाई x की पावर 4 के साथ कौन है, 5, इसका मतलब ये आपस में कर क्या रहे हैं भाई, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। और जब भी किसी वेरिएबल के साथ
आपस में मल्टीप्लाई करने वाला कोई नंबर हो तो कौन होता है वो? वो कोफिशियंट होता है, गुणांक होता है। कौन होता है? कोफिशियंट होता है, गुणांक होता है। ये कौन है इसका मतलब? यहाँ पे कोफिशियंट है, ये फाइव कौन है? कोफिशियंट। और अब करना क्या है? डेरिवेटिव के दौरान, किसके दौरान? डेरिवेटिव करने के दौरान हम कोफिशियंट के साथ कभी कोई छेड़खानी नहीं करते, वो जैसा है एज इट इज उसको वैसा का वैसा ही छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि कोफिशियंट के साथ कभी भी कोई हम वर्क करते ही नहीं, क्योंकि कोफिशियंट हमेशा मल्टीपल में होता है, तो जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसको उसके साथ मल्टीपल कर देते हैं बस। जैसे ये फाइव अपनी जगह पे तो फाइव ही रहेगा, ठीक है। डेरिवेटिव किसका होगा? एक्स की पावर फोर का। और कैसे करते हैं डेरिवेटिव? अभी बताया है, पावर आगे एक कम। और क्या करना है? इनके रिजल्ट को आपस में मल्टीप्लाई, तो 5^20 आंसर आपके सामने, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, ठीक है। 3x की पावर 6, तो कैसे करोगे बच्चों? 3 अपनी जगह पे फिक्स, पावर आगे एक कम, तो 6 × 18 x की पावर 5। सभी बच्चों को समझ में आ गई भाई बात? तो इस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए तो ये बड़े बेसिक सा था, ठीक। अब मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं, जैसे हाँ जी √x। बच्चों इसकी डेरिवेटिव तो ये समझ लो आपको ना याद कर लेनी है, समझाऊंगा तो मैं यहां पे अभी पूरा, लेकिन आपको ये पूरा ना याद रखना हर समय √x को, खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में से एक है। अब आप कुछ भी लगा लो, ठीक है। मैं बहुत ही ज्यादा मतलब क्या कह रहा हूँ इसके ऊपर बहुत एम्फसाइज कर रहा हूँ कि भाई आपको ये क्यों करना है, क्योंकि ये एक ऐसा कंटेंट है जो कि आपको हर क्वेश्चन के अंदर एक दो बार जरूर दिखेगा, और ये आता ही आता है भाई, बहुत जरूरी है, ठीक है, आता ही आता है। तो इसलिए इनका बेसिक्स बहुत अच्छे से सीखेंगे और रिजल्ट तो याद ही कर लेंगे। अच्छा क्या याद कराना चाहता हूँ, पहले तो आप ये देखो। अच्छा आप कह रहे थे कि सर कि एक्स के ऊपर यानी जो भी वेरिएबल होगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ पावर दिखाई देगी, कुछ ना कुछ पावर दिखाई देगी, लेकिन सर यहां पे तो कोई पावर है ही नहीं। तो पावर जब नहीं है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बिल्कुल कहना सही है, बिल्कुल राइट है, ठीक। लेकिन पावर इस पे है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब जब दिखाई नहीं दे रहा तो फिर काम क्यों करें? तो भाई दिखाई दे इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हम उसको वैसा लिख नहीं रहे, हमें वैसा उसको लिखना पड़ेगा। जैसे ही हम उसको इस रूप में लिखेंगे हमें पावर दिखाई देने लग जाएगा। कैसे? देखो प्यारे बच्चों आपको मैं सीधी सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, ये रूट होता है ना, ये रूट, इस रूट का मतलब होता है पावर 1/2। कितनी पावर होती है? पावर होती है 1/2, ध्यान देना क्या बोला मैंने, पावर कितनी होती है रूट का मतलब 1/2। अब हमें क्या करना है? अब हमें डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव का रूल आप अच्छे से जानते हैं, पावर आगे और इसमें से एक कम। अब कहोगे सर ये तो हाफ वैल्यू है और हाफ में से वन कम कैसे होगा? तो भाई होगा, सिक्स्थ क्लास में सभी बच्चों ने सीखा है कि हाफ में से वन कम कैसे होता है। तो कैसे होता है? इसको इससे मल्टीप्लाई वन, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई टू, नीचे को नीचे से टू, टू में से वन गया माइनस वन अपॉन टू। तो देखिए हाँ जी हाफ में से वन जाने पर क्या आता है? माइनस का 1/2। क्या आता है? माइनस का 1/2। अच्छा अब बच्चे यहां आके बहुत कंफ्यूज, लेकिन होने की जरूरत नहीं है कंफ्यूज, ठीक है। करना क्या है ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, आपके लिए एक रूल है। क्या रूल है ध्यान से देखिए, याद रखिएगा कि अगर a की पावर m है, अगर a की पावर m है तो उसको अगर आप 1 के नीचे लाना चाहते हैं, क्या लाना चाहते हैं? 1 के नीचे लाना चाहते हैं। अब कुछ बच्चों सवाल है क्यों लाएं हम 1 के नीचे? भाई क्यों लाएं, क्यों, क्या दिक्कत है? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिखा हुआ अच्छा भला लिखा हुआ है, क्यों पंगे ले हम हैं? अच्छा भला प्लस में क्यों पंगे ले हम इसके साथ? तो भाई हम पंगे नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सॉल्यूशन के पास करीब जा रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर आप हर बात के कहोगे कि भाई क्यों जाए क्यों जाए, तो भाई जाना तो पड़ेगा, क्योंकि मैथ में थोड़ा बहुत हमें अपने से रिस्क लेना पड़ता है, ये एक तरह का एडवेंचर है, ठीक है। जैसे हम सभी को घूमना, राफ्ट, जैसे जब हम ऋषिकेश जाते हैं राफ्टिंग करना, बंजिंग जंपिंग करना, इस तरीके से बड़ा मजा आता है करने में, एडवेंचर करते हो ना, बहुत मजा आता है। तो इसी प्रकार से ये भी है,
मैथ्स में भी थोड़ा बहुत एडवेंचर करके देखो, जब सॉल्यूशन के करीब आओगे ना तो खुशी भी उतनी मिलेगी, बड़ा मजा सा आएगा कि अरे हाँ भाई मेरे दिल को तसल्ली मिल गई, बड़ा मजा आया करने में। अब वो तसल्ली क्या है, एक छोटा सा रूल है, और वो रूल कैसे है प्यारे बच्चों, ये ए की पावर एम हल्का सा नीचे करके देखेंगे बस, क्या किसके नीचे, वन के नीचे करके देखेंगे, और पता क्या होने वाला है एडवेंचर में, नया टेस्ट क्या आएगा कि जो पावर है ना वो माइनस की हो जाएगी, बस इतना सही है, जो पावर है वो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं इसी माइनस के पावर को, अगर मैं इसी माइनस के पावर को भी ट्विस्ट करना चाहता हूं, एडवेंचर करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, इसको भी वन के नीचे लेके जाऊंगा, इसको भी किसके नीचे लेके जाऊंगा, वन के नीचे, और इसमें क्या ट्विस्ट आएगा कि जो माइनस वाला पावर था अब वो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो देखो कितना सिंपल सा है, तो ये कोई एडवेंचर थोड़ी नकली सा है यार, 1/2। अब क्या करना है, देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा है पावर कितनी है, 1/2, किस में है, माइनस में, तो क्या करेंगे, 1 के नीचे ले जाएंगे किसको, x को, और पावर कितना है बच्चों, 1/2, तो देखो हो गया प्लस में, क्यों, क्योंकि माइनस वाली चीज को जब 1 के नीचे लेके जाएंगे तो वो प्लस का हो जाता है, बस सिंपल हो गया, 1 × 1 = 2। हां जी, अब जल्दी से बताएंगे, x की पावर 1/2 कितना होता है, रूट एक्स होता है, बताया था ना अभी, x की पावर 1/2 कितना होता है, रूट एक्स होता है, तो लीजिए रूट एक्स, तो इसका मतलब भाई रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x, इस रिजल्ट को याद कर लो हर हाल में, 1/2√x, तो इसको हर हाल में याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको हर क्वेश्चन में, एटलीस्ट हर क्वेश्चन में बता रहा हूं मैं, आपको दिखेगा ही दिखेगा, जब आप मैक्सिमम मिनिमा करना शुरू करोगे ना तो आपको हर बार यही दिखेगा, मैं एक दो और अभी टाइप के करा देता हूं, बाकी ये तो पक्का आपको दिखना ही दिखना है, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हां जी बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट पड़ाव पर चलते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट पड़ाव क्या है हमारा, जैसे कि भाई पावर हमारे पास माइनस में भी आ सकती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये आ गया भाई, जैसे हमने x की पावर -4 ले ली, ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है, अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो कैसे करना है, बहुत सिंपल है, वही सेम केस, पावर आगे एक कम। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखना बच्चों, क्या बताना चाह रहा हूं मैं, कि पावर आगे एक कम में गलती ये हो जाती है कि जब यहां पावर प्लस का होगा ना तब ये लेस होके 3 बनेगा, ठीक है, लेकिन अगर पावर माइनस में है तो याद रखना वैल्यू हमेशा क्या करती है, घटती है, मानता हूं मैं, लेकिन आपको यहां पे 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों अगर आप नंबर लाइन पढ़ोगे तो आप याद रखना लेफ्ट हैंड साइड में जितना आप जाते जाओगे नंबर बड़े होने के साथ साथ उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन राइट हैंड साइड में आप जितना जाओगे तो क्या बन जाता है बच्चों, वैल्यू लगातार लगातार क्या बनती जाती है, वैल्यू बड़ी होती चली जाती है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगी बड़ी लेकिन असल में उनकी वैल्यू क्या होती है, छोटी। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि माइनस जब होगा, जब माइनस पहले से ही होगा तो वैल्यू को आप बढ़ाते हुए दिखेंगे, और जब वैल्यू यहां पे प्लस में होगी तो आप वैल्यू को क्या करते हुए दिखेंगे, घटाते हुए दिखेंगे। तो बस सिंपल, -4, और जब लेस करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो आंसर ये बनेगा, ठीक है। एक्स की पावर -6, तो आप अच्छे से जानते होंगे क्या बनेगा, पावर आगे एक कम, और जब आप कम करेंगे तो वैल्यू मैंने बता दिया था ना क्या होगा, इंक्रीज, क्यों, अगर पहले से ही माइनस लगा हुआ है तो। अच्छा, अब मान लीजिए 7x की पावर -5 है तो क्या होगा बच्चों, तो देखो 7 तो कोफिशियंट है अपनी जगह पे फिक्स, फिर पावर आगे और एक कम, एक कम करोगे तो -6, आंसर 7 × 5 = -35। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, बहुत सिंपल केस है, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, 9x की पावर क्या ले ले, माइनस का 7, ठीक है, चलिए तो 9 अपनी जगह पे फिक्स, ये चलिए माइनस का 9 ले लेता हूं मैं, तो माइनस का 9 अपनी जगह फिक्स, पावर आगे एक कम, एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, इंक्रीज, माइनस माइनस प्लस, और 9 × 7 = 63, तो -8, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सिंपल मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन लिए,
ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे रूट की ही बात अगर मैं करूं, रूट की ही बात अगर हम करें, तो मान लीजिए एक्स की पावर मैं ले लेता हूं भाई 3/2 प्लस में है, ठीक। चलिए जरा इसको आगे करके जरा सॉल्व करते हैं, पावर आगे और 3/2 में से 1 लेस, हां जी, तो कितना होगा, सॉल्व करेंगे 3 - 2/2, ठीक है। कैसे सॉल्व हुआ, 1 को 3 से, 2 को 1 से, 2 को 1 से, ठीक है। 3 बन जा 3, 2 बन जा 2, नीचे से नीचे 2 बन जा 2, तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है बच्चों। और आप अच्छे से जानते हो 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, ठीक, बहुत सिंपल। चलिए जिसको ना समझ में आए अपना बताते रहना मुझे कि हाँ भाई भैया ये डाउट है हमारे सर, ऐसे ऐसे ये दिक्कत आ रही है, क्यों हो गया ऐसे, ठीक है। चलिए और जैसे आप ये ले लेते हैं x की पावर 5/2, तो बहुत सिंपल, पावर आगे और इसमें से एक कम। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा वो ये देख लेंगे, ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 को 5 से करेंगे 5, 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 1 से करेंगे 2, तो कितना हो जाएगा ये 3/2, तो यानी 5/2 एक्स की पावर 3/2, इस तरीके से करना है, सिंपल। चलिए और कोई, एक्स की पावर 7/2, खुद करना है यार ये, ठीक है, खुद करना ये, ठीक। चलिए और देख लेते हैं, ठीक, और क्या करें, और क्या करें, चलिए एक ये और देख लीजिए आप, ठीक है। ई की पावर एक्स ये और अलग सॉल्व कर लो, ठीक है। तो भाई ई की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। चलिए लेकिन अगर मान लीजिए ई की पावर एक्स की पावर 5 आ गया, ई की पावर एक्स और उसकी पावर 5, ई की पावर एक्स और उसकी पावर 5, तो पता कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है ये भी। तो क्या करना है भाई, पहले डेरिवेटिव कैसे करते हैं ना, एक एक करके ऊपर चढ़ते हैं हम, हमेशा कैसे करते हैं डेरिवेटिव, एक एक करके ऊपर चढ़ते हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाना आपको। तो पहले e का डेरिवेटिव करो, अरे भाई e का डेरिवेटिव तो अभी बताया जैसा है वैसा ही, एज इट इज, तो यानी e की पावर अगर x की पावर 5 है, e की पावर कौन है, ये पूरा है, तो एज इट इज ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ऊपर चढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। तो e की पावर, हमने e का डेरिवेटिव किया तो भाई x की पावर 5 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन अब किसका डेरिवेटिव करना है, x की पावर 5 का डेरिवेटिव करना है। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने क्या कहा, e की पावर x है तो हमने e की पावर x लिख दिया, लेकिन यहां e की पावर x नहीं है, e की पावर x और उसकी पावर 5 है, तो हमने पहले डेरिवेटिव किसका किया, e का, तो e का डेरिवेटिव किया तो वैसे का वैसे ही आ गया जैसा था, लेकिन अब हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, x की पावर 5 का, तो आपको पता ही x की पावर 5 का डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर आगे और एक कम, तो आंसर क्या आया, 5x की 4 ex की 5। नहीं समझ में आया, एक और देखेंगे, मान लीजिए e x की पावर 6, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, पहले नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ऐसे, ठीक है, तो e का डेरिवेटिव करेंगे तो वैसे का वैसे ही रहेगा, इसका हो गया, अब इसकी बारी, तो ये तो पूरा x की पावर क्या है 6, तो बस x की पावर 6 का डेरिवेटिव पावर आगे एक कम, लीजिए आपके सामने आंसर, पल्ले पड़ रही बात, ठीक। अच्छा अब अगर मान लीजिए ऐसे आ गया e की पावर 7x, लेकिन भाई अब तक तो x के ऊपर पावर थी, लेकिन आपके पास x के ऊपर तो पावर है ही नहीं, तो क्या करेंगे, सिंपल, हां जी, e की पावर 7x, तो e की पावर 7x रह गई, क्यों, क्योंकि e तो एज इट इज रहता है, अब किसका करेंगे हम डेरिवेटिव, 7x का। तो बच्चों मैं आपको ध्यान से एक बात बता दूं कि जब 7x, अब x के ऊपर कोई पावर नहीं है ना, तो जब x के ऊपर कोई भी पावर ना रहे तो डेरिवेटिव उसका होता है 1, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1। ध्यान से सुनना मैंने क्या बताया, कि जब x के ऊपर कोई भी पावर दिखाई ना दे तो x की वैल्यू क्या बन जाती है 1, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, यानी 7 अपनी जगह पे रहेगा और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो बस आंसर क्या बन गया, 7 × 7 e की पावर 7x। एक और देखना चाहते हो, एक और देख लो, e की पावर 5x का डेरिवेटिव, तो क्या बनेगा, e की पावर 5x और भाई 5 अपनी जगह पे फिक्स, x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो क्या बन जाएगा 1, तो बन गया 5 × 5 e की पावर 5x, ठीक है। तो आप
ये पूरा नोट कीजिए, ठीक है, फिर मैं एक एक करके और आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी बच्चों, तो चेन रूल में ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे x की पावर 5 प्लस 7 x की पावर 2 प्लस 3 x प्लस 5, भाई इसका डेरिवेटिव करना है हमें, ठीक है। तो देख के घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, और जो अब तक आपने सीखा है ना, बस वही रूल अपनाई करना है। आपको ये नहीं देखना कि यार इतने सारे प्लस लग गए, इतने सारे माइनस लग गए, तो क्या करेंगे हम इस तरीके से, तो बहुत परेशानी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, आपको बहुत ही जैसे आपने पीछे सॉल्व किया ना, सेम वही काम करना है। जैसे अब ये है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो आपको पता है भाई कि मुझे x बार 5 का डेरिवेटिव करना है, पावर आगे एक कम, ठीक है। अब प्लस के बाद ये है ना, आपको आगे वाले से कोई मतलब नहीं है, एक एक करके सॉल्व करते जाओ। 7 है, हाँ जी, कोफिशिएंट को छेड़ते नहीं है, बात हमें पता है। x की पावर 2 है, पावर आगे एक कम, काम खत्म। प्लस अब ये है 3x, ठीक है, पीछे होते चले गए, ये काम करना है 3x। अब मैंने क्या बताया था कि जब ऐसे 3x वगैरह, x की पावर जब कुछ भी ना दिखाई दे, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1। अब देखो ये है 5, इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, सॉरी गलत बोल दिया, कोई भी वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, तो बस जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0, सिंपल। तो ये बन गया 5x की 4, 14x और ये 3, आंसर इज दिस, ठीक है। चलिए और देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया x की पावर 6 माइनस 4x की क्यूब प्लस 8x माइनस 3, ठीक है, ऐसे ले लिया मैंने, ठीक। ये तो कैसे करेंगे, सेम पावर आगे एक कम, पावर आगे एक कम, है ना, 8x है तो 1, 3 कोई x नहीं है 0, तो 6x की पावर 5, 12x की स्क्वायर 8, आंसर। एक और देख लेते हैं, जैसे x 5x की क्यूब प्लस 3 रूट x प्लस 2x प्लस 4, ये आ गया, इसका डेरिवेटिव करना है, सिंपल। भाई देखो 5 तो अपनी जगह पे 5 ही रहेगा, पावर आगे एक कम, 3 आपको इसके बारे में अच्छे से पता है भाई, रूट एक्स का डेरिवेटिव अभी अभी बताया था 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, बताया था ना। चलिए 2, एक्स का कितना होगा 1, 4 के साथ कोई नहीं है 0, तो इसका मतलब 5 5 5 15 एक्स का स्क्वायर 3/2 अंडर रूट एक्स और 2, तो इस तरीके से करना है बच्चों, ठीक है। तो कंडीशन समझ में आ गई सभी को चेन रूल की, तो ये आपको आज मैंने चेन रूल तक करा दिया है। कल की क्लास में मैं आपको प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, ये सारे रूल्स करा दूंगा, ठीक है। तो और साथ ही साथ अभी मैं आप लोगों को अपने ये लिंक के डिस्क्रिप्शन में देखना, आपको एक पीडीएफ दिया जाएगा जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिख लिख के डाल रखे हैं, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो बस आपको बस ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आगे की वीडियो कल तक प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको, और सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें कम से कम मान के चलिए 20 से 25 क्वेश्चन होंगे जो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, मैंने अपना नंबर लिख दिया, एक बार फिर से लिख देता हूँ अगर आप कहेंगे तो, एक बार मैं लिख देता हूँ, एक बार एक काम करते हैं, 7503947049, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए अगर कोई भी डाउट है। बाकी मैंने बताया है कि डाउट सेशन हम अपने एवरी संडे गूगल हैंगआउट मीट पे, जो भी है ऐप, क्या नाम है इसका, ठीक है, वैसे तो गूगल हैंगआउट ही कहते हैं उसे, ठीक, तो उसे डाउनलोड कीजिए और फिर उस पर डाउट हम लोग कवर करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बाय।